हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री चल रही है। तो हम बात करते हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों की। दोस्तों, जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में टोटल हमारे 27 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं और ये चैप्टर लेके आए हैं हम 28वें चैप्टर का नाम है कैल्शियम। तो बेटा, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक या दो नंबर का इस चैप्टर से 100% देखने को मिलता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, तभी बेटा ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। कैल्शियम जो आपका चैप्टर है, ये एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे ही देखें। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। आप समझिए, देखिए क्लास की बात करें तो क्लास 12 AG मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री आपका चल रहा है, चैप्टर है वो 28 है, 28वें चैप्टर का नाम है कैल्शियम। तो बेटा, इस चैप्टर से जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो बल लाइनर वाले क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से बल लाइनर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझिए। बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, संगमरमर का सूत्र बताइए। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो आपको बता दें, देखिए CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा वो क्या है कि जिप्सम का सूत्र बताइए। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप जिप्सम का सूत्र को बताइए या जिप्सम के सूत्र को लिखिए। तो बेटा, जो जिप्सम का सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए, पहला मैंने बताया था आपको संगमरमर का सूत्र, तो संगमरमर का सूत्र आपका क्या होता है? CaCO3। ये आपको दोनों नोट करना है। अगला सूत्र आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो बेटा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है वो है CaSO4 2, तो ये बैलेंस के हिसाब से लगा दिया, चलिए पूरा ही पढ़ लीजिए, 2CaSO4 × H2O। आप इतना याद कर सकते हो, 2CaSO4 × H2O। अगर आपको ये याद नहीं करना तो आप ये वाला याद कर लो, OR करके, ये भी है आपका CaSO4 ½ H2O। क्या लिख सकते हो? CaSO4 ½ H2O, ये भी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखिए। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है बेटा कि आप बिना बुझे चूने का जो फार्मूला है या सूत्र है वो लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि CaO क्या होता है? बिना बुझा चूने का सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम के दो उपयोग बताओ। भाई, कैल्शियम का उपयोग आप किस जगह पे करोगे, कैल्शियम का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, एक अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दो उपयोग आपको बताना है। पहला उपयोग देखिए, कैल्शियम यौगिक बनाने में, यानी जो कैल्शियम कंपाउंड्स का बनाने में कैल्शियम का यूज होता है, आप ऐसे करके बता सकते हो कि कैल्शियम यौगिक बनाने में। दूसरा है अल्कोहल को जल से मुक्त करने में, यानी अल्कोहल को जल से मुक्त करने में भी कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के दो उपयोग बताइए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग क्या हैं। तो समझिए आप कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग। बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। किसमें? पहला पॉइंट हो जाएगा सीमेंट के उद्योग में, दूसरा है चौक बनाने में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके दो उपयोग को बताइए। तो आपका आंसर होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट के उद्योग में तथा चौक बनाने में किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बिना बुझे चूने के दो उपयोग बताइए। क्या कह रहा है? बिना बुझे चूने के दो उपयोग बताइए। तो भाई, बिना बुझे चूने के दो उपयोग आपको बताने हैं। पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में,
किसके रूप में? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सेकंड है कांच तथा सीमेंट के उद्योग में। तो सेकंड आपके दो पॉइंट पूछ रहा था, दो पॉइंट आपके क्लियर हुए। बिना बुझे चूने के दो उपयोग बताओ। तो पहला उपयोग मैंने आपको बताया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा मैंने आपको बताया कांच तथा सीमेंट के उद्योग में। तो बेटा इस चैप्टर से जितने भी बल लाइनर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब हम बात करेंगे अगले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। एक बात और भी बताना चाहूँगा, देखिए आप मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल पे जियोलॉजी नहीं पढ़ी या केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, इतना सिलेबस आपका छूट चुका है। जियोलॉजी भी छूट गई और केमिस्ट्री के टोटल अब तक 27 चैप्टर हैं वो भी छूट गए। तो बेटा आपको बताना चाहूँगा मेरे चैनल पर आपको जियोलॉजी और केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो भी मिल जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद संपर्क करने के बाद आपको नाम मात्र की फीस पे करने के बाद बेटा नोट्स को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर, चलते हैं बेटे हम आगे की ओर। चलिए बेटे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एग्ज़ाम में तो नहीं कह सकता कि 100% पेपर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो आप समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में कैल्शियम किस रूप में मिलता है, यानी जो प्रकृति है उसमें कैल्शियम बेटा किस किन किन रूपों में मिलता है और उसके रासायनिक गुणों को बताइए। प्रकृति में कैल्शियम किन किन रूपों में मिलता है ये आपको बताना है और उसके रासायनिक गुण बताने हैं। किसके? कैल्शियम के रासायनिक गुण बताने हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई प्रकृति में कैल्शियम जो है वो किन किन रूपों में मिलता है। तो समझिए, देखिए कैल्शियम प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, कौन सी अवस्था बेटा? संयुक्त अवस्था, संयुक्त मतलब किसी के साथ मिलता है, अकेला कैल्शियम नहीं मिलता, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ वो या उत्पाद के साथ मिलेगा संयुक्त रूप से, मिश्रित होगा। कैल्शियम प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके मुख्य खनिज निम्न है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो बेटा देखिए दे रखा है संगमरमर, क्या है? संगमरमर कौमा चूने का पत्थर कौमा चौक मिट्टी तथा डोलोमाइट, इन सब के अंदर क्या है? कैल्शियम विद्यमान है। किस किस के अंदर कैल्शियम पाया जाता है बेटा? संगमरमर, चूने का पत्थर, चौक मिट्टी तथा डोलोमाइट। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट की, तो जिप्सम, जिप्सम का क्या सूत्र होता है बेटा? CaSO4 × 2H2O। अब आपने देखा कि जिप्सम के अंदर क्या है, आपको पता है जो कैल्शियम होता है उसका प्रतीक होता है Ca, क्या होता है? Ca, Ca क्या है आपका? कैल्शियम। तो आपने देखा CaSO4 × 2H2O, तो देखिए ये कैल्शियम जिप्सम के अंदर क्या है? कैल्शियम। और आपने ऊपर बताया था कि जो कैल्शियम है वो प्रकृति में किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में मिलता है। क्लियर, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, फ्लोर स्पोर, क्या है? फ्लोर स्पोर, इसका देखिए सूत्र क्या है? CaF2। तो CaF2 में देखिए Ca क्या है बेटा? आपका कैल्शियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है हमारा, वो है फ्लोरोपेटाइट, क्या है? फ्लोरोपेटाइट। अब फ्लोरोपेटाइट का जो फार्मूला है वो है 3 Ca3 PO4 2 × CaF2। तो देखो यहाँ पे भी आपको कैल्शियम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी आपको कैल्शियम मिल रहा है। तो हमें तो ये पता करना है कि प्रकृति में किन किन रूपों में, किन किन फॉर्मेट के अंदर जो कैल्शियम है वो मिलता है। तो जो अगला पॉइंट है हमारा वो है फास्फेराइड्स। देखिए फास्फेराइट का जो फार्मूला होता है वो होता है Ca3 PO4 2। अब Ca3 PO4 2 में आपने देखा कि Ca, देखिए कैल्शियम इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो आपको पता चल गया, इतना क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए वो कह रहा है प्रकृति में कैल्शियम किस रूप में मिलता है, तो इतना का आप जवाब दे चुके हो। क्या जवाब है आपके पास? कि कैल्शियम प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसके मुख्य खनिज हैं, फर्स्ट पॉइंट में बोल सकते हो भाई, संगमरमर, चूने का पत्थर, चौक मिट्टी तथा डोलोमाइट, इन सभी के अंदर क्या है? कैल्शियम प्रेजेंट है। दूसरा बोल सकते हो आप जिप्सम, जिप्सम के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। फ्लोर स्पोर के अंदर कैल्शियम है, CaF2 है इसका सूत्र, और क्या है? फ्लोरोपेटाइट, इसमें भी कैल्शियम विद्यमान है, और फास्फेरेटाइट
फास्फेराइट इसमें भी कैल्शियम विद्यमान है। तो आगे हम पढ़ेंगे बेटा जो कैल्शियम है, कैल्शियम इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण को हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आती है बेटा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे अगली जो हेडिंग हमारी है वो है रासायनिक गुण। अब हम किसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे बेटा, तो हम पढ़ेंगे कैल्शियम के रासायनिक गुण। कैल्शियम के रासायनिक गुण में जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है वायु के साथ क्रिया। बेटा कैल्शियम की हम वायु के साथ क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। कैल्शियम की वायु के साथ क्या कराएंगे, हम रिएक्शन कराएंगे। जब कैल्शियम की वायु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, क्या उत्पाद बनेगा वो आप समझिए। देखिए यह नम वायु में रखने पर कौन है बेटा, कैल्शियम। कैल्शियम में क्या आप लिखोगे, जब आप वायु के साथ कैल्शियम की क्रिया कराओगे तो आपको क्या बनेगा, ये आपको इस रिएक्शन में बताया जाएगा। देखिए यह नम वायु में रखने पर, नम वायु में रखने पर किसे रखोगे, नम वायु में आप कैल्शियम को, कैल्शियम को नम वायु में रखने पर धीरे धीरे ये चमक खो देता है तथा अपघटित होकर क्या देता है बेटा, हाइड्रोजन देता है, यानी H देता है, हाइड्रोजन देगा। अब आप इसकी रिएक्शन बेटा करते हैं। देखिए कैल्शियम वायु के साथ किसकी क्रिया है, कैल्शियम की, तो आप कैल्शियम को ले लीजिए ठीक है। और वायु में क्या होता है देखिए, प्लस नम वायु कह रहा है तो नम वायु में क्या होगा भैया, नम वायु में क्या होगा, मॉइस्चर, मॉइस्चर किसका होगा, जल का होगा। तो जाहिर सी बात है सी ए प्लस एच टू ओ। अब देखिए आपने लिखा कि भाई यह नम वायु में रखने पर धीरे धीरे अपनी चमक को खो देता है तथा अपघटित होकर क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, अगर आप हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो देखो यहाँ पे सी ए है और यहाँ पे एच टू ओ है, तो क्या बन जाएगा, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस, तो ये बन ही रहा है बेटा, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस तो ये बन ही रहा है। प्लस और क्या बन रहा है ये आप देखो, प्लस एच टू हाइड्रोजन गैस तो अपघटित होके बनेगी बनेगी ठीक है, हाइड्रोजन गैस है इसलिए तीरा कहाँ चला गया, ऊपर। अब आप रिएक्शन को देखो, क्या रिएक्शन बैलेंस है, देखिए कैल्शियम, कैल्शियम तो यहाँ पे बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो और ये दो चार है तो इधर ज़्यादा है हाइड्रोजन। फिर आप करोगे क्या भाई, इससे पहले इधर आप दो लगा लो तो आप देखोगे कि भाई दो दूने कितना हो गया, चार, हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, चार। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन ये है और दो हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो दो चार, इधर भी आपके हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब आप ऑक्सीजन को देखो, देखो बेटा ये देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, दो। अब यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन के इधर भी दो, तो इस प्रकार से अब आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। आपने किसके साथ क्रिया कराई बेटा, वायु के साथ क्रिया कराई, किसकी क्रिया कराई, कैल्शियम की। तो आपको क्या मिला, देखिए आपने नम वायु में किसे रखा, कैल्शियम को नम वायु में रखने पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसने अपनी चमक खो दी और जब अपघटित होकर क्या दिया, इसने हाइड्रोजन दिया। अपघटित होकर बेटा क्या दिया, इसने हाइड्रोजन दिया। अब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे आगे समझिए। देखिए अब हम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट में, यह वायु में गर्म करने पर, कौन गर्म करने पर बेटा, कैल्शियम गर्म करने पर। कैल्शियम वायु में गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम नाइट्राइड बनाती है, दो चीज़ें देगी, दो उत्पाद बनाएगा कैल्शियम जब वो वायु के साथ गर्म होगा तब। एक देगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा देगा बेटा आपका कैल्शियम नाइट्राइड। तो इसे भी आप समझ लीजिए, देखिए कैल्शियम का फार्मूला वही है सी ए क्या है, कैल्शियम, और वायु है, वायु का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या क्या होता है बेटा, ओ टू ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, आपको पता है क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, क्या बन गया CaO। अब आपने देखा भाई ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो आप क्या करोगे, आप भाई यहाँ पे भी दो लगा दो। अब आपने देखा कि कैल्शियम तो भाई दो है यहाँ पे और कैल्शियम रह गया यहाँ पे एक, तो आप यहाँ पे भी दो लगा दो। अब देखो आप कैल्शियम दो हो गए इधर, तो इधर भी कैल्शियम दो हो गए भाई, ऑक्सीजन दो हो गए तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो हो गए। अब आपने देखा जो कैल्शियम है
कैल्शियम वायु में यानी ऑक्सीजन के साथ जब गर्म होने पर क्या बनाया इसने, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बेटा बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब आगे समझिए, आगे लीजिए आप कैल्शियम। अब आपको क्या बनाना है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो आप किसकी रिएक्शन कराओगे, देखिए ये हो गया कैल्शियम प्लस एन टू के साथ नाइट्रोजन के साथ, तो देखो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा CA3 और N2 यानी कैल्शियम नाइट्रेट। तो भाई कैल्शियम नाइट्रेट बन गया, तो N2 तो आपका यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है। आप देखोगे CA3 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सिंगल है, तो इधर आप लगा दो 3, तो 3CA हो गया। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम नाइट्राइड। क्या हो गया ये, कैल्शियम नाइट्राइड लिख दो आप, कैल्शियम नाइट्राइड। क्लियर। इसके बाद देखिए कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, कार्बन के साथ, CA कैल्शियम प्लस कार्बन, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बाइड मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का मतलब CaC2, क्या है CaC2। अब आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखा आपने कैल्शियम सिंगल और यहाँ पे भी कैल्शियम सिंगल, लेकिन यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 2 है, तो आप करोगे क्या, कार्बन से पहले आप 2 इधर लगा दो, तो देखो कार्बन 2 इधर भी हो गया और कार्बन का 2 इधर भी हो गया, तो दोनों तरफ आपका बैलेंस हो गया, बना क्या, कैल्शियम कार्बाइड। ये बेटा आप लिखोगे कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड लिख दो, ये बना आपका कैल्शियम कार्बाइड। एक मिनट रुकिए, इसमें देखिए क्या था बेटा, वो कह रहा था ये वायु में गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है, तो बेटा हमने देखिए कैल्शियम ऑक्साइड भी बना दिया और कैल्शियम नाइट्राइड भी बना दिया। अब ये बना दिया हमने कैल्शियम कार्बाइड, तो बेटा कैल्शियम कार्बाइड बनाने की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, यहीं पे आपका काम समाप्त हो गया। देखिए आपने क्या लिखा कि यह वायु में गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम नाइट्राइड बनाती है, तो आपने क्या करा, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिला, और कैल्शियम की नाइट्रोजन के साथ आपने क्रिया कराई तो कैल्शियम नाइट्राइड आपको प्राप्त हो गया। अब जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी HCl के साथ क्रिया। तो बेटा चलते हैं आगे की ओर, चलिए बेटे अगली हेडिंग समझिए हमारी। देखो रासायनिक गुण में जो थर्ड हेडिंग्स है वो है HCl के साथ क्रिया। जब आप कैल्शियम की HCl के साथ क्रिया कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा समझिए बेटा, यह HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, कौन, कैल्शियम। जब आप कैल्शियम की HCl के साथ क्रिया कराते हो तो आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है। आप इसकी रिएक्शन को समझिए, आप देखिए भाई कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक होता है वो होता है CA, या आप सूत्र कह सकते हो CA प्लस, इसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, HCl के साथ, HCl, तो वो कह रहा है हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन मुक्त होता है तो बेटा आपको पता होना चाहिए फिर ये क्या बना देगा, CA और Cl2 बना देगा, क्या बना देगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना देगा प्लस ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यानी H2 हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। आप समझिए यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना हुआ, Cl2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितना हुआ, Cl2 हो गया। भाई कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, इस प्रकार से आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो आपने देखा जब आपने कैल्शियम की रिएक्शन HCl से कराई तो HCl से कराने के बाद क्या आपको प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में आपको मिला। देखो कैल्शियम की जब आप क्रिया आपने HCl से कराई तो CaCl2 बना और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। अगली रिएक्शन देखिए आप समझिए, चौथा पॉइंट कह रहा है कि अधातुओं के साथ क्रिया। जब आप अधातुओं के साथ क्रिया कराओगे कैल्शियम की तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप कैल्शियम की ऑक्सीजन से नाइट्रोजन तथा कार्बन आदि से संयोग करता है तो आपको मिलता क्या है,
वो हम रिएक्शन में सॉल्व करेंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए कैल्शियम की सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अब आपको पता है जो कैल्शियम है, कैल्शियम का साइन होता है Ca प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है O2, तो Ca प्लस O2, तो क्या बन जाएगा ये CaO, क्या बन जाएगा CaO। अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, आप यहाँ पे 2 लगा दो। जब 2 कैल्शियम हो गए तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दो, 2Ca प्लस O2, 2Ca और O। अब आपकी ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखिए कैल्शियम 2 तो कैल्शियम भी 2, ऑक्सीजन का 2 तो ऑक्सीजन का भी 2। अब आपका बना क्या, देखिए जब आपने रिएक्शन कराई कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ तो आपका बन गई है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, आप लिख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा, जब हम कैल्शियम की नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आप बनाइए कैल्शियम की करिए आप नाइट्रोजन के साथ क्रिया, तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा कैल्शियम नाइट्राइड। किस प्रकार से बन जाएगा, देखिए Ca3N2 आपका बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। अब आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप उसे रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ तो बैलेंस है। कार्बन सिंगल है तो यहाँ पे 3 है, तो इससे पहले आप 3 लगा लो, 3 कैल्शियम हो गया, यहाँ पे भी 3 कैल्शियम हो गया, आपकी रिएक्शन बैलेंस है। जब आपने कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, बेटा नाइट्रोजन के साथ कराई, तो आपको क्या मिला, कैल्शियम नाइट्राइड। ये बेटा आपका जो बना है, ये बना है कैल्शियम नाइट्राइड। अब हम रिएक्शन किसकी कराएंगे, अब हम कराएंगे कैल्शियम की किसके साथ, कार्बन के साथ। तो कैल्शियम की जब हम कार्बन के साथ कराएंगे तब हमें पता चलेगा हमें हमारा प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है वो बनेगा क्या। देखिए कैल्शियम का जो सूत्र होता है वो होता है Ca, या प्रतीक कह सकते हो या साइन कह सकते हो, क्या है Ca प्लस कार्बन का आपको पता है भाई कार्बन का C होता है, इसके आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा CaC2, क्या बन जाएगा CaC2। अब आपको पता है भाई रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये तो देखिए कैल्शियम सही है और यहाँ पे भी कैल्शियम ठीक है, एक है तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 2 करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा लो, भाई कार्बन यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। तो ये बना क्या, ये बना बेटा कैल्शियम कार्बाइड, क्या बना कैल्शियम कार्बाइड। तो इस प्रकार से आपने देखा जब भाई कैल्शियम की रिएक्शन अधातुओं के साथ कराई, यानी ऑक्सीजन के साथ कराई, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड बना, और कैल्शियम की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कराई तो कैल्शियम नाइट्रेट बना, और जब कैल्शियम की रिएक्शन कार्बन के साथ बनाई, इस कार्बन के साथ आपने रिएक्शन कराई तो क्या मिला, कैल्शियम कार्बाइड प्राप्त हुआ। तो बेटा इस प्रकार से ये कैल्शियम प्रकृति में किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है ये भी हमने पढ़ लिया, और कैल्शियम के रासायनिक गुणों को भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं आगे की ओर, सीखते हैं कुछ नया टॉपिक। चलिए बेटे अगला जो हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है, वो है कैल्शियम फास्फेट बनाना। कैल्शियम फास्फेट किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके गुण और उपयोग को आप समझिए। तो सबसे पहली हेडिंग से हमारी कैल्शियम फास्फेट बनाना, तो जो कैल्शियम फास्फेट की बनाने की विधि है उस विधि को आप समझिए। कैल्शियम फास्फेट किस विधि से बनाया जाता है और कैसे करके बनाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट बनाने की विधि क्या है, तो आप क्या बोलोगे कैल्शियम फास्फेट किस प्रकार से बनाओगे। देखिए कैल्शियम क्लोराइड में अमोनिया तथा अमोनियम फास्फेट मिलाने पर कैल्शियम फास्फेट अवक्षेपित हो जाता है। तो आपने देखा, एक तो लोगे आप कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्या मिलाओगे आप, अमोनिया और अमोनियम फास्फेट। अमोनिया और अमोनियम फास्फेट जब आप मिलाओगे तो आपको आपका बन के क्या तैयार हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। तो बेटा इसकी हम रिएक्शन को सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आपने बताया CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, भाई CaCl2 हो गया। इसके बाद लिया आपने अमोनिया, अमोनिया तथा अमोनियम फास्फेट, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो इसमें NH4 का होल थ्राइज और PO4। अब आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा अब कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम फास्फेट का मतलब Ca3 क्या हो जाएगा आपका, Ca3 और PO4 का होल थ्राइज, PO4 का होल थ्राइज प्लस NH4Cl, क्या हो जाएगा NH4
NH4 और क्या बचा आपका Cl, तो ये हो जाएगा Cl। अब आप देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम देखिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे थ्री है, तो सबसे पहले तो हम तीन लगाते हैं। अब कैल्शियम कितना हो गया थ्री, तो कैल्शियम यहाँ पे भी थ्री। अब देखिए तीन दूनी कितना हुआ छः, यानी क्लोरीन कितने हो गए सिक्स। अब इधर देखिए आप क्लोरीन कितना है आपका, क्लोरीन अभी तो सिंगल है तो आप यहाँ पे सिक्स लगा लो, अब कितने हो गए छः क्लोरीन भी आपके हो गए। इसके बाद NH4 यानी जो हाइड्रोजन है चार तीनिया कितना हुआ बारह। अब आप हाइड्रोजन यहाँ पे देख लीजिए कितना हुआ NH4 का होल टूआ चार तीनिया बारह। अब यहाँ पे कितना हो रहा है छः चौक चौबीस, तो आप यहाँ पे दो लगा लो भाई, चार तीनिया बारह दूनी चौबीस हाइड्रोजन आपका ये हो गया, छः चौक चौबीस हाइड्रोजन इधर भी आपका हो गया। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन देखिए कितना हो गया भाई, चार तीनिया बारह, बारह दूनी चौबीस नाइट्रोजन है और छः चौक चौबीस आपका नाइट्रोजन है। अब आप फास्फोरस देखिए, पी देखिए सिंगल है फास्फोरस में, ये भी सिंगल है, ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन चार है, यानी जो आपकी रिएक्शन थी वो आपकी बैलेंस हो चुकी है। ये बेटा PO4 का होल ट्वाइज है, PO4 का होल ट्वाइज है, तो P कितना है इधर, अब ये P हो गया टू, होल ट्वाइज है तो टू हो गया, तो यहां पे भी P कितना है, ये टू हो गया P। अब आपके बेटा रिएक्शन बैलेंस है, तो देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई कैल्शियम फास्फेट किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने की विधि क्या है। कैल्शियम क्लोराइड में अमोनिया तथा अमोनियम फास्फेट मिलाने पर कैल्शियम फास्फेट अपक्षेपित हो जाता है। तो आपने सबसे पहले लिया कैल्शियम क्लोराइड, इसके बाद अमोनियम फास्फेट, तो आपको क्या मिला कैल्शियम फास्फेट बन के आपको तैयार हो गया। इसी प्रकार से हमने देखिए बनाने की विधि सीख ली। अब हम इसके पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। भौतिक गुण के बाद कैल्शियम फास्फेट की पढ़ेंगे हम रासायनिक गुण, इसके बाद पढ़ेंगे उपयोग। तो सबसे पहले भौतिक गुणों को आप समझ लीजिए। देखिए यह लगभग पानी में अघुलनशील है, यानी जो कैल्शियम फास्फेट है यह पानी में क्या है अघुलनशील, पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी के अंदर घुलता नहीं है, इसलिए क्या है अघुलनशील है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्या इसी में अगली लहन है उसे समझ लीजिए अगला पॉइंट, परंतु लवण तथा CO2 मिले पानी में घुल जाता है, यानी पानी के अंदर साल्ट तथा CO2 मिले तो पानी में क्या है ये कैल्शियम फास्फेट घुल जाता है। तो बेटा आप चलते हैं आगे की ओर, अब इसकी हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करा अभी तक आपने, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगली जो हमारी हेडिंग से बेटा वो है रासायनिक गुण, यानी जो कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट की केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है, यह जलीय फास्फोरिक अम्ल में घुलकर कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट बनाता है, कौन कैल्शियम फास्फेट। जब आप कैल्शियम फास्फेट को जलीय फास्फोरिक अम्ल में घुलकर क्या बनाएगा, वो कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट बनाता है। किस प्रकार से बनाएगा आप समझिए, एक कैल्शियम फास्फेट की रिएक्शन आप कराइए किसके साथ, जलीय फास्फोरिक एसिड के साथ। तो चलिए रिएक्शन इसकी सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका CA3 और PO4 का होल ट्वाइज प्लस फास्फोरिक एसिड, यानी ये हो जाएगा H3PO4, क्लियर। अब बनेगा क्या कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट, तो भाई कैल्शियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट का मतलब है H2PO4 का होल ट्वाइज, H2PO4 का होल ट्वाइज। अब आप देखिए रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं है भाई। कैल्शियम यहाँ देखिए आप कैल्शियम कितना है थ्री है, यहाँ कैल्शियम एक है, तो आप क्या करोगे यहाँ भी आप थ्री लगा लीजिए कैल्शियम पूरे हुए। फास्फोरस को आप देख लीजिए भाई, फास्फोरस कितना है टू है, इधर भी फास्फोरस आपका टू है, चलिए ये तो लगभग बैलेंस ही है। हाइड्रोजन को देखते हैं,
देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है भाई, दो दूनी कितना है चार है, चार दुनिया 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है तीन, जब तीन है तो आप यहाँ चार लगा दीजिए, चार दुनिया 12, 12 हाइड्रोजन हो गया। इसी प्रकार से देखिए फास्फोरस को आप देखिए भाई, चार दुनिया 8, 8 दुनिया 24 फास्फोरस। इसी प्रकार से फास्फोरस को अगर देखोगे आप इधर देखोगे तो भाई चार दूनी 8 फास्फोरस तो ये हो गए, और चार चौक 16, 16 और 8 कितने हुए 24, और यहाँ पे कितना हो रहा है चार दूनी 8, 8 तीनिया 24, यानी फास्फोरस भी आपका क्लियर हो गया और ऑक्सीजन भी आपकी लगभग बराबर है। तो ये आपने किसके साथ रिएक्शन कराई भाई, आपने रिएक्शन कराई कैल्शियम फास्फेट की फास्फोरिक एसिड के साथ, तो आपको ये मिला कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। आप इसे लिख सकते हो कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, क्लियर। अब बात करते हैं हम दूसरी रिएक्शन की, सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इसके तीनों भाग में H2SO4 क्या है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है भाई, H2SO4 कितना परसेंट 70% भाई, ये कह रहा है 70%, ये 70% है। इसके तीनों भागों में, किसके तीनों भागों में, कैल्शियम फास्फेट के, कैल्शियम फास्फेट के तीनों भागों में H2SO4 के दो भाग में मिलाने पर सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नामक क्षार प्राप्त होता है। तो चलिए इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो कैल्शियम फास्फेट का क्या हुआ, सूत्र वही लिख दो आप, CaPO4 का होल ट्वाइस, CaPO4 का होल ट्वाइस प्लस किसके साथ H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ आपको क्या करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो बनेगा क्या, अब आप समझ लीजिए, बनेगा आपका CaH2PO4 का होल ट्वाइस, CaH2PO4 का बन जाएगा आपका होल ट्वाइस। इसे भी ब्रैकेट में लीजिए आप, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, और क्या बनेगा, और क्या बचा, H बचा भी हाइड्रोजन, तो बन जाएगा H3PO2, PO4 होगा, PO4 प्लस और भी कुछ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CaSO4 भी बन रहा है आपका, CaSO4 ये भी बन रहा है। अब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कैल्शियम, तो भाई कैल्शियम को बैलेंस कर लो, यहाँ पे कैल्शियम कितना है Ca3 है ना, तो यहाँ पे आप 3 लगाओ, अब यहाँ पे देखा 3 है, यहाँ पे देखा सिंगल है, तो आपकी बात बनी नहीं, तो आप यहाँ पे कर लो 4, यहाँ पे करो 4 और यहाँ पे करो 5, यानी 5 3 15 इधर कैल्शियम हो गए, इधर कितने हुए आपके 4 Ca, और कहीं पे Ca नज़र आ रहा है, देखिए चेक करिए कैल्शियम, और कहीं पे कैल्शियम नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कैल्शियम है 4, ये है कैल्शियम, तो यहाँ पे आप 11 लगा लो, 11 और 4 15 कैल्शियम हो गए, देखिए 4 कैल्शियम और 11 कैल्शियम, 11 4 15 कैल्शियम, इधर कितना हो गया भाई 5 3 15 कैल्शियम तो पूरे हो गए। अब आपको क्या करना है भाई, फास्फोरस आप चेक कर लीजिए, फास्फोरस भाई 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 दूनी 8 पंजे 40, और फास्फोरस इधर कितना है 4 दूनी 8 चौक 32, 32 और कितने चाहिए 8 और चाहिए इसमें, तो आप क्या करोगे यहाँ लगाओ पहले 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 चौक 32, 32 8 40, ये भी पूरे हो गए 40, ये भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, फिलहाल कुल मिला के आप यहाँ पे 11 लगा लो, तो देखो सब कुछ आपका बैलेंस हो जाएगा, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, रिएक्शन आपकी पूर्ण रूप से बैलेंस है, क्लियर। इस रिएक्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आपने क्या काम करा, कैल्शियम फास्फेट के
तीनों भागों में H2SO4 70% के दो भाग में मिलाने पर सुपरफास्फेट ऑफ लाइम, सुपरफास्फेट ऑफ लाइम नामक क्षार प्राप्त होता है। ये आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटे हम इसके आगे पढ़ेंगे उपयोग, कैल्शियम फास्फेट के उपयोग क्या हैं। तो बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। बेटे अगले जो हमारी हेडिंग है वो है देखिए कैल्शियम फास्फेट के का उपयोग। तो कैल्शियम फास्फेट का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और किसके काम में आता है उसे आप समझिए। देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम के निर्माण में, यानी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम के निर्माण में, या कह सकते हो आप सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बनाने में किसका योगदान है, किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है कैल्शियम फास्फेट का। उपयोग का मतलब होता है इंग्लिश में यूजेस, यूजेस का मतलब उपयोग, किस प्रकार से उपयोग लाया जा सकता है कैल्शियम फास्फेट को। तो आपने पहला पॉइंट समझा कि भाई कैल्शियम जो फास्फेट है वो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बनाने के निर्माण में यूज होता है। सेकेंड है फास्फोरिक के अम्ल निर्माण में, तो भाई जो फास्फोरिक जब आप बनाते हो फास्फोरस, फास्फोरिक का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें भी कैल्शियम फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है खाद के रूप में, तो देखिए खाद के रूप में भी आप कैल्शियम फास्फेट का निर्माण कर सकते हो। तो बेटा इस प्रकार से हमारा ये 28वां चैप्टर आज समाप्त हुआ, 28वां चैप्टर था कैल्शियम का। तो इस प्रकार से कैल्शियम चैप्टर हमने फिनिश कर लिया, एक ही वीडियो में आपका समाप्त हो गया। देखिए कुल मिला के ये 36-37 मिनट की वीडियो है और 36-37 मिनट की वीडियो में बेटा हमने कैल्शियम वाला जो चैप्टर था 28वां ये पूरा कवर कर लिया। तो अब देखिए इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा 29वां। प्लीज़ 29वां चैप्टर के लिए आप वेट करिए। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।